महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद से ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लालू ने कहा कि नीतीश पलटू हैं तो पीएम मोदी भिखारी ठाकुर के विदेशिया हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो केवल विदेश घूम रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। लालू ने कहा कि 2014 में झांसा देकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब दाल गलने वाली नहीं है। लालू ने दावा किया कि अगले चुनाव में बीजेपी का छक्का छुड़ा देंगे। जेडीयू के दिग्गज नेता शरद यादव की नाराजगी दूर हो गई है। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त से पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में शरद यादव भी शिरकत करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि शरद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने का न्योता दिया गया है। त्यागी ने कहा कि शरद यादव इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले से शरद यादव नाराज चल रहे थे। मौका भांप कर लालू ने शरद यादव को आरजेडी में लाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन शरद यादव ने लालू को झटका देते हुए जेडीयू में ही बने रहने का फैसला कर लिया है। शरद यादव ने तेजस्वी यादव की पदयात्रा में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। बिहार के नए कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। ऋषि ने कहा कि तेजस्वी को अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और पहले राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता हाथ से चले जाने से तेजस्वी बेचैन है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थरबाजी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं गुस्से का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के काफिले पर हमला एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मसले पर खामोश नहीं बैठेगी। सीएम नीतीश कुमार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में लगाया गया है। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर अतुल कुमार सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अतुल ने दावा किया था कि शैबल गुप्ता ने अपनी किताब में उनकी शोध का इस्तेमाल किया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शैबल गुप्ता की किताब का विमोचन किया था, इसलिए उन पर भी आरोप बनता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। वहीं इसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी छात्र का रिसर्च पेपर अपने नाम से कौन सी नैतिकता है। अवैध बालू खनन के मामले में आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र घिरते नजर आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र पर बालू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा है। वहीं एसआईटी और मनेर पुलिस की टीम ने भाई वीरेंद्र के ठिकानों पर छापा मारा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सभी विभागों की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी बारी बारी से सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। 11 अगस्त तक विभागों की समीक्षा चलती रहेगी।